नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मधुप हिंदी पाठमाला कक्षा पांचवी के पाठ तीन का पठन पाठ आरंभ करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस देश में रहते हैं तो आप कहेंगे भारत। इसकी राजधानी क्या है? आप उत्तर देंगे दिल्ली। यदि मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है तो बच्चों मुझे पता है कि आप जवाब देंगे मुंबई। तो छात्रों, आज हम पाठ तीन भारत की औद्योगिक नगरी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी स्वयं बताना। मुंबई एक इंसान के रूप में अपनी कहानी आपको स्वयं बता रही है। अब मैं आपके समक्ष पाठ का सारांश बोलूंगी। इसी तरह से आप पूरे पाठ का अनुकरण करते हुए पाठ को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों, आत्मकथा के रूप में लिखे इस पाठ में भारत की औद्योगिक नगरी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बारे में बताया गया है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना गया है। इसमें भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान हैं, जैसे रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आदि। समुद्र के किनारे स्थित मुंबई में कई पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे मैरिन ड्राइव, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली की दरगाह, जुहू बीच, कान्हेरी गुफाएं, सिद्धि विनायक मंदिर, मानोरी बीच आदि। यहाँ के उत्सव, खान पान, संगीत आदि इस नगरी को विशेष बनाते हैं। भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली मुंबई ने कई प्रकार के रोजगार के अवसर भी दिलवाए हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन और डब्बे वाला इसकी रीढ़ की हड्डी है। मुंबई आने वाले लोग यहीं बस जाते हैं। बस बच्चों, ऐसी ही है मुंबई नगरी। छात्रों, मैं हूं मुंबई। पाठ में यह शिक्षा दी गई है कि हमारी जो भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं हम उनकी रक्षा करें, हमेशा गतिशील रहें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल कर कार्य करें। छात्रों, आज आपका गृह कार्य है कि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे।